कोई आवाज है ही नहीं, और लोग कॉपी करते हैं, बड़े बड़े चित्रकारों की कॉपी करते हैं, लेकिन इस आवाज को कॉपी करना कितना मुश्किल होगा, इसलिए कल्पना जी का कोई जोर न। शुक्रिया, मेरे सामने भी मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे ऑकवर्ड लगता है। तो एक्चुअली मैं आपकी तारीफ और पीछे में भी करता हूँ, लेकिन जो अच्छी चीज है वो बताना है, कोई मुझे कोई बता दे कल्पना का कोई कॉपी करने वाला हुआ हो तो इतनी भीड़ में इसको बता दे, मैं गुलामी करूँगा। थैंक यू सो मच। आई मैं जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से जो काम मुझे शुरू में करना चाहिए था मौका नहीं मिला, भूखे और मोमेंटो लेकर आ पाएंगे हम के सर को, कृष्ण कुमार यादव जी जो पर्यटन के प्रभारी हैं, चूंकि कल्पना जी भाई आपके बीच में है, भूखे और मोमेंटो का मतलब ये नहीं कि वो आपके बीच में नहीं है, कई फरमाइशें हैं। आवाज के मुकाबले कोई आवाज नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे चाहो एकदम आप बोलो क्या बोलना चाहते हैं। सर दो शब्द बोले इस मंच से। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा N.K.Singh जी को, जो स्नेक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और इस मंच पे मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप ले जाए मंच पे और लोग आपके बारे में जाने। बहुत लोगों ने पढ़ा है इनके बारे में, सुना है इनके बारे में, लेकिन खुद आज आप महसूस करेंगे कि आखिर वो करते क्या है, उन्हें लोग जानते क्यों। एक जोरदार तालियां N.K.Singh जी के लिए, कल्पना जी की टीम के साथ है। मैं आइए विस्तार से बताने के लिए, जब स्नेक मैं खुद हाजिर है तो मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। एक तालियां बनती है और एक क्या क्या करते हैं सुन लीजिए जी। मैं इनसे मैं चाचा बोलती हूँ, ऐसे तो मैं प्रणाम कर चुकी हूँ, और एक बार मंच पे प्रणाम करती हूँ चाचा जी को। मैं बहुत मेरी यात्रा में, भोजपुरी संगीत की यात्रा में, आप लोगों से ऐसे ऐसे सेक्शन से मैं मिली, और इतने जुनूनी व्यक्तित्व, बहुत प्रभावित हूँ, और आप सुनेंगे तो आप प्रभावित होंगे। चाचा जी आप खुद बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगी आपके जीवन में। हालांकि मुझे पर्सनल स्टोरी पे जाना पड़ेगा, नहीं जाऊँ तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप खुद बोलें। पदाधिकारीगण हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला, और जितने भी यहाँ पधारे हैं दर्शकगण श्रद्धालुगण, और उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ आकर हम लोगों के प्रोग्राम को सुने, और खास समय मैं दशरथ मांझी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक जुनून उनके मन में था और वो जुनून को पार करके एक ऐसा इतिहास बनाया जो आज हमारे बिहार के एक मिसाल है। बोलिए दशरथ मांझी को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए, दशरथ मांझी अमर रहे। और उसी जुनूनी का मैं एक छोटा सा एक जागता उदाहरण हूँ मैं, कि मेरे साथ ही कुछ ऐसी घटना घटी जिसे मैंने उसे जुनून की ओर लिया, और आज हमारे पास लगभग 790 लड़के हैं। मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ, जन्म तो मेरा इसी क्षेत्र में गया जिला में हुआ, उसमें तो सिर्फ गया था, मैं 1936 में जन्म लिया, और वो जन्म था टकारी, और मैं अपने बुआ के यहाँ भागलपुर में रहकर पढ़ा लिखा, और वहीं से मैं इंजीनियरिंग भी किया, और उसी जुनून से मैंने सरपों पर बहुत बड़ा काम शुरू किया, लेकिन वो धीरे धीरे उससे और भी बड़ा काम हो गया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसे सांप देखकर अपना दुश्मन समझते हैं वो असल में सांप दुश्मन नहीं है, सांप हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी चीज है, क्योंकि एक सांप 40 आदमी को ऑक्सीजन पर डे देता है, इसलिए सांप को नहीं मारे, सांप के मार के सांप को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी जनसंख्या में बहुत वृद्धि होती है और उसे मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक सांप मारेंगे तो 10 सांप आपके घर में आएगा। इसलिए सांप को भगाने का मैं तरीका बताता हूँ कि कभी भी किसी घर में सांप अगर घुस जाए तो ध्यान से सुनिए, एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें सिर्फ एक टिप्पी मिट्टी तेल डालिए, और जहां भी सांप हो वहां पर आप मत जाइए,
खाली उस जगह को खाली वो मिट्टी तेल से पानी वाला जो है भिगो दीजिए, साफ स्वतः अपने आप रास्ता चला जाएगा। और फिर और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से घर द्वार को आप लिपते हैं डिटोल से या कोई भी चीज़ से, तो आप मिट्टी तेल से उसे रोज उसे झाड़ू लगवाइए, उसे रोज पोछा मारिए, वो कभी सांप आपके घर में नहीं आएगा। और कभी भी सांप अगर आपके घर में आए तो हमारे नंबर हैं, अगर नहीं भगा सकते तो हमारे नंबर, हमारा नौ राज्य में आदमी रहता है सांप से बचाने के लिए, खासकर सांप पकड़ने का ही नहीं, सांप बाजे व्हाइट, सांप व्हाइट करने वाले लोगों को बचाने के लिए हम 700 लड़का रहते हैं। जब भी हमें कॉल करेंगे 2400 दिन हम लोग पर है। अभी देखिए मैं खुद पूछल के गया था बाय रोड और मुजफ्फरपुर जिला रोड पर काफी सांप आ गया था, कम से कम 2000 सांप से ज्यादा रोड में सांप आए ठंडा के मौसम में, हमने सब सांपों को वहां से हटाया। इसलिए कभी भी अगर कहीं सांप निकले तो हमारे नंबर पर करें, हमारे स्टाफ सब जगह रहते हैं, मैं नंबर बोलता हूँ आप लोग सब लिख लें, 9433129824 9433129824। ऐसे गूगल में भी तलाशेंगे स्नेक इंडिया नाम से मेरा नंबर मिल जाएगा। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि सांप जब भी काटे तो हमें जरूर खबर करें, डॉक्टर लोग सांप से नहीं बचा सकता क्योंकि हमारे हमारे राज्य में एंटी वेनम उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यही है कि हम लोग सांप को संग्रह करते नहीं। नीतीश कुमार जी भी एक बार जब वेनम के लिए बोले थे लेकिन सरकार गिर गई थी तब ये काम नहीं हो सका। हमारे झारखंड सरकार ने इस पर पहल की है, हम झारखंड में टाटा नगर में रहता हूँ और मैं इस पर काम करता हूँ, तो ये हमें उम्मीद है कि यहाँ भी हमें सरकार से आवेदन करता हूँ कि यहाँ भी सांप का एक फार्म बनाने का हमें आदेश दे, ताकि मैं हर एक साल झारखंड ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में 1,00,000 आदमी मरता है सांप काटने से, लेकिन इसे कुछ का किसी कुछ लेना देना नहीं होता क्योंकि एंटी वेनम हमारे पास मौजूद नहीं है।